Guys, welcome back to my channel, Mother of Two Pearls. I hope you all doing good. I am also doing good. So, अब मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करने वाली हूँ. अभी हो रहे हैं 5:20 ये हैं और अभी हम जा रहे हैं मेरी स्कूटी की डिलीवरी लेने, जो कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हम उसको परचेज कर चुके थे, उसकी बुकिंग कर चुके थे. तो आफ्टर 10 to 11 days आज हम उसकी डिलीवरी लेने जा रहे हैं. तो चलिए फिर आपको भी दिखाते हैं अपनी स्कूटी का लुक. गाइस, मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए रेडी. ये है मेरा फाइनल लुक. चलो जल्दी से चलते हैं. तो गाइस, यहाँ पर मैं काशोर परी के साथ निकल गई थी इनकी शॉप के लिए. फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने. और गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं इनके मॉल में और हम जा रहे हैं इनकी शॉप पर. ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं इनकी शॉप पर. यहाँ पर ये और काशू कर रहे थे अपने चाचू के साथ गपशप. गाइज, अब हम मॉल से निकल कर जा रहे हैं इन स्कूटी की डिलीवरी लेने. इनके मॉल के बहुत नियर बाय ही है. ये देखिए आप इस क्लिप में, हम यहाँ मॉल पहुँच चुके हैं इनकी ओला के शोरूम. और अब हम लेंगे अपनी प्यारी सी स्कूटी की डिलीवरी. तो चलिए फिर चलते हैं अंदर फटाफट. तो हमारी स्कूटी कहाँ है? हमारी स्कूटी अंदर थी, हमें लगा ये वाली है, बट ये वाली नहीं थी क्योंकि कलर एक जैसा है सेम. हमारी स्कूटी अंदर थी और वो चार्ज हो रही थी क्योंकि हमने भैया को कॉल करके बोला था भैया आप उसको फुली चार्ज कर देना, बिकॉज़ हमें काफ़ी जगह ले जाना था, उसको मंदिर भी जाना था और मम्मी के घर भी जाना था. तो इसलिए अब ये देखिए, भैया ने बाहर ला कर खड़े कर दिया है और इस पर मिरर वगैरह लगाने थे तो भैया वही मिरर वगैरह लगा रहे हैं. इसके बाद हम इसको लेकर भैया बाहर जाएंगे और फिर इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. मतलब एक बार फीचर्स हमें समझाएंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस है इसके, वो सब हमें बताएंगे कैसे कैसे मतलब ये वर्क करती है, क्योंकि डिजिटल है, ऑटोमेटिक है. आप लोग जानते ही होंगे ओला S1 है ये. आप इसको, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इसके और बहुत ही अच्छी स्कूटी है ये, स्मूथ है, मैंने भी चला के देखी, बहुत ही अच्छी है. तो मतलब भैया इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस वगैरह बताएंगे, उसके बाद हम इसे लेकर मंदिर जाएंगे. और यहाँ पर भैया हमारी स्कूटी को बाहर लेकर जा रहे थे, वहाँ पर पार्क करके फिर वो इसके फंक्शंस हमें बताएंगे एक बार फिर, और उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे. और ये देखिए भैया यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका चार्जिंग जैक यहाँ पर है और ये कैसे वर्क करता है. और इसको मतलब इसकी जो ये डिक्की है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें, काफ़ी सारा सामान आप एक बारी में रख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें भैया डिस्कस कर रहे थे. ये कॉम्बो है, ये आगे ये ब्रेक दबाना है, स्टैंड अप करके ब्रेक दबाना है. गाइज, यहाँ पर हमने ले ली थी अपनी स्कूटी की डिलीवरी. उसके बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर, बाबा मंदिर जा रहे थे हम पूजा करवाने. और मेरा ना जो फ़ोन हैंग करने के लिए जो वो होता है ना होल्डर होता है, वो गिर गया मतलब टूट के. तो मैं इनको वही बोल रही थी कि मेरा ना फ़ोन हैंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. और यहाँ हम स्वीट ले रहे हैं मंदिर. गाइस, अभी हम पहुँच रहे हैं बाबा मंदिर और हम वहाँ से कराएंगे स्कूटी की पूजा. चलिए वाले मत्था टेकते बाबा स्कूटी. चलो और फिर जाएंगे मम्मी के घर. पहले करिए आप सब बाबा के दर्शन हमारे साथ. और पता है फ्रेंड्स, हम इतने अच्छे करेक्ट टाइम पे पहुँचे ना, बाबा की आरती चल रही थी वहाँ पर. मतलब हमारी जो नई रानी आई है उसने पहले आरती ली है. और देखो यहाँ पर पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं. सरागी रस्म बदा में जन्म जन्म
जा रहे हैं मम्मी के घर, मम्मी को स्कूटी दिखाने। काजू बोला हाय मेरे शीशे में। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं घर और हमने बनाया मम्मी और रिद्धि का पोपट और शायद हमें शुभम नीचे मिल गए। देखो शुभम है कि नहीं, देखो देखो नहीं शुभम तो नहीं दिख रहा हमें, मामा नहीं दिख रहे, खड़ा तो था अंदर हुआ दिख रहा है, बंटी बबली दिख रही है नहीं। सो गाइस देखो आ गए घर और ये क्या कहते हैं रिद्धि भी नीचे आ गई। चलो ठीक है इसको बिठा एक बार आगे खड़ा करके एक राउंड लगा दो ना। चलो हाँ चलो लेके चलते हैं आप, खड़ा कर लो ना आगे। चलो चलो ड्राइव के हम सही चीज लाए कि नहीं। बंद अपने आप हो जाएगी वो अपने आप हो जाएगी। मैं तो रोड पे कौन सा बटन दबाने गाने भी चलेंगे इसमें। मैं तो चल चाहिए हम आ गए घर। तुमने स्कूटी देख ली हमारी कैसी लगी? बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट। तुम्हें कैसी लगी इधर देख के बोलो? बहुत बढ़िया छैया छैया भी बजता है गाइस हमारी स्कूटी में। SSDN लिखवा दो। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर, अब मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यही एंड। और अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी नई स्कूटी जो मुझे गिफ्ट मिली है एनिवर्सरी का गिफ्ट, मतलब एनिवर्सरी का एडवांस गिफ्ट मिला है, वो आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।